president. Let's try this. सभी पत्रकार बंधुओं को, साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, एक प्रेस वार्ता हमने करी थी। अभी कुछ ही दिन बाद घटनाएं इतनी तीव्र गति से राजस्थान के अंदर हो रही हैं कि आपके साथ बैठने का ये अवसर निकालना पड़ा, ताकि आपके माध्यम से राजस्थान और पूरे देश तक, राजस्थान की जनता की गुहार राजस्थान सरकार तक भी पहुँचे और देशवासियों तक भी पहुंचे। दिवाली मिलन के बाद, भाई दूज के बाद अखबार के अंदर लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार के अंदर बेटियों को, बहनों को बेचा जा रहा है, ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आइसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं, सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से। लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी FIR नहीं लिखी गई है। सुनते हैं जब यह भी कि बंदी बनी हुई है, पुलिस दबाव में आ जाती है, किसके दबाव में आ जाती है, किसका शय मिला हुआ है इस घिनौनी हरकत के लिए, किसका शय मिला हुआ है। जहाजपुर, मंडलगढ़, वहां पर तो भीलवाड़ा की ये क्षेत्र है, वहां तो सुनते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये का सब हरकतें होती हैं। फेक आधार कार्ड बना दी गई, अगर पुलिस कहीं, कोई ईमानदार पुलिस वाला जब कोई एक्शन भी लेता है, किसी को पकड़ भी लेता है, तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंत आ जाते हैं अपने आप को मां बाप दिखाने के लिए। समाज के डर से वहां पर लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो जिस सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है वहां पर, ये क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? गोदनामा हो जाता है, स्टैंप पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैरकानूनी है पूरी तरह। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लग रहा? 8 साल से 18 साल की बेटियों को वहां पर बेचा जा रहा है। किसी ने अगर उधार ले लिया गलती से, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जब वो पैसा वापस नहीं दे पाता। मतलब गरीबी की ये हद हम राजस्थान में देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर एक गैर कानूनी संस्था वहां पर आती है और जुर्माना लगाती है। जुर्माना अगर पे नहीं कर पाया, वो पैसे दे नहीं पाया, तो एजेंट आ जाते हैं, और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोदनामा वहां पर स्टैंप पेपर पर करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। आपको ताज्जुब होगा और हम सबको, एक साधारण इंसान को इस बात से शर्म आएगी कि छोटी लड़कियां जो 8 साल की है, जो उनको बेचा जाता है, 10 साल की लड़कियों को बेचा जाता है, तो उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाएं। मतलब जानवर है क्या? यहां पर जानवर की तरह पेश हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पॉस्को एक्ट लगना चाहिए, और पूरी तरह से वहां पर प्रशासन के लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकत तुरंत बंद होनी चाहिए। किस तरह से यहां पर राजस्थान के अंदर जो अपहरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से, और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है ऐसी चीजों के अंदर।
आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है। अब बेटियां गायब हो रही हैं, उसके अंदर राजस्थान का नंबर देश में उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हरकत हो रही है राजस्थान के अंदर, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप देख, आपने कल पढ़ा सेंट्रल पार्क से अपहरण हो गया, मतलब सेक्रेटरियट के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक से अपहरण हो जाता है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे डकैती हो, चाहे कनपटी पे बंदूक लगाकर मेहनत से कमाए हुए पैसे कोई लूट के ले जाता है, ये आए दिन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है, उनका बयान आता है कि उन्हें शर्म आ रही है, उन्हें शर्म आती है। केवल वो अस्पताल में जाते हैं, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की गंदगी है। वो कहते हैं कि सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। जोधपुर की सड़कें टूटी हुई हैं तो कहते हैं मैं हवाई जहाज से आ गया, कुछ सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। शिक्षा के लिए उन्हें शर्म आ रही है। मुझे ये बताइए, ये लाचारी क्यों हो रही है? दैट इज बीजेपी रेकिंग अप क्वेश्चंस अबाउट व्हाई द पुलिस वाज नॉट एबल टू सक्सेसफुली क्रैक डाउन ऑन दिस नेक्सस इन टाइम एंड व्हाई डिड सो मेनी गर्ल्स हैड टू सफर। Rightly so. I want to cut across to my colleague Bhavani, who's with us on the broadcast. Bhavani, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, कि इतना समय क्यों लगा और इस तरह का भयावह हादसा या ये जो गिरोह ये पूरा काम कर रहा था, कितने समय से ये काम कर रहा था। राजनीति भी गरमा रही है और ऐसे विषयों पर तो सरकार से सवाल पूछे भी जाने चाहिए, किसी भी विपक्ष को पूछने चाहिए। देखिए, दो बड़े सवाल है जो राज्यवर्धन सिंह राठौर उठा रहे हैं विपक्ष में, उसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता, एक बड़ा सवाल तो ये है कि जब पूरा मामला सामने आने के बाद में अभी तक कोई पुलिस की ओर से रेड नहीं हुई, इस गांव के अंदर छापेमारी नहीं हुई, उन जाति पंचों को जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अरेस्ट होने चाहिए थी। अभी तक पुलिस की ओर से जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नजर नहीं आया कहीं पर भी, कि पुलिस ने रेड की हो, उनको पकड़ने की कोशिश की हो या फिर केस रजिस्टर किया गया, अभी तक ऐसा कुछ पुलिस की ओर से नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि ये ज्यादातर जो लड़कियां जो भेजी गई है वो 8 से 18 साल की थी, यानी कि ज्यादातर माइनर थी। तो अगर माइनर थी तो जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि पॉक्सो के अंदर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, अभी की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो एक्शन, विजिबल एक्शन होना चाहिए था, वो सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से नजर नहीं आया, न सरकार की ओर से कोई ठोस इस तरीके का बयान नजर आया जिसमें एक्शन नजर आए। इसके बजाय उल्टे राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खातिरियावास, वो सरकार के स्पोक पर्सन भी है और मिनिस्टर भी है, वो एनएचआरसी पे सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने नोटिस क्यों इश्यू कर दिया, वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अहम अहम बिंदु आपने उठाई है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर पॉक्सो के अंडर ये मैटर रजिस्टर नहीं हुआ है तो कौन सी धाराओं के तहत उन्होंने ये मैटर रजिस्टर किया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, और अगर कोई जाति के पंच हैं जिनकी पूरी निगरानी में ये पूरा वाक्या हो रहा था, ये हादसा हो रहा था, इतना बड़ा जुर्म हो रहा था, तो क्या राजनीतिक वजह है कि अभी तक गांव में रेड नहीं की गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, प्रशासन और पुलिस को जो करना चाहिए था उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जो भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है, उनको ये जवाब देना चाहिए था। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भीलवाड़ा के कलेक्टर और एसपी से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन ले रहे हैं तो किन के खिलाफ ले रहे हैं और किन धाराओं में इन पे केस रजिस्टर किया, क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सरकार की ओर से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ नहीं बताया गया, न हमारी जानकारी में है जो हम कि अभी तक उन्होंने कहीं रेड की हो, कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया कि पकड़ने की कोशिश की जा रही हो, वो तब जब पूरा मामला सामने आ गया। तो अब ये बताना चाहिए सर आगे आकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पर पुलिस को, कि पूरे मामले में कितनी सच्चाई है और इसके अंदर जो लोग हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जा रही है। ये बड़े और अहम सवाल हैं जो भवानी बोल रहे हैं कि द पुलिस